नमस्कार, मैं लिपिका लिपि किचन से। आज हम बनाने जा रहे हैं चोको चिप्स मैंगो मफिन। अभी छुट्टियाँ भी चल रही है और गर्मी का मौसम है तो आम बहुत ज़्यादा मिलते हैं मार्केट में, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं। उसके लिए चाहिए हमें 1 कप मैदा, 1/2 कप कंडेंस मिल्क, 4 टेबल स्पून बटर, कुछ चोको चिप्स, 1 मैंगो पल्प, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, और एक छन्नी लेंगे और एक मफिन ट्रे लेंगे और उसमें सिलिकॉन लाइनिंग लेंगे और एक स्पैचुला लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रेसिपी। पहले एक छन्नी में हम 1 कप मैदा को डालेंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसको 2 बार हम लोग वैसे छन्नी से छान लेंगे। और एक बर्तन लेंगे जिसमें हम देखिए बटर, 4 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क और मैंगो पल्प, उसको अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद उस पर थोड़ा सा वनीला एक्स्ट्रैक्ट डालेंगे और उस पर मैदा डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और कॉटन फोल्ड के मेथड से मिक्स करेंगे उसको। आधा आधा करके मैदा डालेंगे, सारा एक साथ नहीं डालेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा गाढ़ा लगे आपको आपका मिक्सचर तो 2 टेबलस्पून दूध डाल दीजिएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। मफिन ट्रे लेते हैं, उस पर बटर ग्रीस कर लेते हैं। हालांकि ये सिलिकॉन है, इसमें नहीं चाहिए बटर ग्रीस करना। एक आइसक्रीम स्कूप लेंगे और अपने मफिन लाइनिंग में डालेंगे। आइसक्रीम स्कूप से क्या होता है ना, हम लोग अच्छे से अपना मेजरमेंट रख सकते हैं और उसको अच्छे से टैप कर लेंगे क्योंकि बैटर से बबल्स निकल, और उसके ऊपर से चोको चिप्स डाल देंगे। यहाँ पे हम अपने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख चुके होंगे 15 मिनट के लिए। फिर अपना मफिन ट्रे डालेंगे उस पर एक लो रैक के ऊपर, और 17 मिनट के लिए उसको हम लोग कन्विंसिंग मोड में 180 डिग्री में डालेंगे। ये रेडी हो गया हमारा चोको चिप्स मैंगो मफिन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।